हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सुनीता लाइफस्टाइल चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की ये मेरी वीडियो उन सब के लिए है जो मेरी ही तरह हाउसवाइफ है और बच्चे बड़े हो गए हैं और टाइम पास नहीं होता है, समझ नहीं आता टाइम पास कैसे करें। फिर मैंने दोस्तों अपना टाइम पास करने के लिए, वैसे मैं बहुत एक्टिविटीज़ करती हूँ, बट मुझे सबसे अच्छी जो लगी एक्टिविटीज़ जिसमें बहुत शांति भी मिलती है और बहुत अच्छे से टाइम पास होता है, वो है गार्डनिंग। पहले दोस्तों मेरे पास सिर्फ 5-6 ही प्लांटर थे, 5-6 ही पौधे थे। फिर मैंने अपना टाइम पास करने के लिए सोचा कि क्यों ना मैं पौधे ही ग्रो करूँ। फिर दोस्तों मैंने, देखो मैं अपनी छोटी सी बगिया दिखाती हूँ, मैंने सिर्फ 5-6 ही पौधे थे जिससे मैंने आज कम से कम 200 पौधे आज मेरे पास हैं और मेरा बहुत अच्छे से टाइम पास होता है। यदि आपका भी टाइम पास ना हो रहा हो तो प्लीज़ आप भी पौधे लगा कर देखिए, अपना टाइम पास कीजिए और बहुत ही मन को शांति मिलती है। अब देखो ये मेरा मनी प्लांट, 2 साल पहले इसमें केवल एक ही छोटा सा मेरे पास प्लांटर था जिसमें 8-10 पत्तियां थी। फिर मैंने बहुत मेहनत करी और बहुत टाइम दिया इसको, और देखो अब मेरी मेहनत से कितना सुंदर मेरा मनी प्लांट हो गया है। और ये देखो कितने ऊपर तक जा रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। इसकी लीफ देख सकते हो आप, कितनी बड़ी कितनी प्यारी है, बहुत सुंदर। और ये मेरा देखो जिसमें फ्लावरिंग हो रही है, कितना सुंदर पौधा। और ये देखो, और ये मेरा सबसे प्यारा टाइम पास का प्लांटर बनाया मैंने, जो खुद बनाया है। ये मेरी कैन थी, एक खाली कैन पड़ी थी, मैंने सोचा क्यों ना इसका कुछ अच्छा सा प्लांटर बनाया जाए। फिर मैंने इसका बैठ के प्लांटर बनाया, इसको पेंट किया, और फिर इसमें ये मैंने टर्टल वाइन लगाया जिसका अब सीजन है, जो अभी देखो ये ग्रो हो रही हैं पत्तियां इसकी, और अभी थोड़े दिनों बाद में आपको दिखाऊंगी कितना सुंदर लगेगा जब ये हरा भरा हो जाएगा। और ये मेरी छोटी सी बोट में मेरा स्नेक प्लांट, और ऐसे ही मैंने अपना टाइम पास करते हुए एक और ये कैन से बनाया, देखो। तो दोस्तों आप भी ऐसे ही अपना टाइम पास करने के लिए ऐसे कुछ बनाइए और अपने घर को डेकोरेट करिए। इससे हमें 2 फायदे हैं, एक तो हमारी बालकनी भी बहुत सुंदर हो जाती है, टाइम पास हो जाता है, और हमारा मन भी लग जाता है, हमें इधर उधर बैठ के खाली गप्पे नहीं मारने पड़ते हैं और अपना अच्छे से टाइम पास होता है। तो मैं सभी अपनी बहनों को ये कहना चाहूँगी कि यदि आपका भी टाइम पास नहीं हो रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ कीजिए, चाहे गार्डनिंग कीजिए, चाहे डांस नाच गाना कुछ भी कीजिए, बट कीजिए। और ये देखो ये मैंने च्यवनप्राश के डिब्बा, खाली डिब्बा था, उसको मैंने पेंट करके और वॉल पुट्टी से पेंट करके मैंने तब ये बनाया है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। दोस्तों मैंने ये वीडियो पहली बार बनाई है, प्लीज़ मुझे नहीं पता ये वीडियो अच्छी बनी है या कैसी बनी है। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।